इसलिए फैमिली इवेंट पे आता नहीं हूँ। मैंने कहा तूने कौन सा जुमा पढ़ा बगैर था, आज तो मंगल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो मुझे चलती गाड़ी में बनाना पड़ रहा है। मौका भी ऐसा है, व्लॉग बनाना भी चाहता हूँ और मसरूफियत ऐसी है कि घर से निकलते हुए व्लॉग स्टार्ट नहीं कर सका। बेसिकली हम जा रहे हैं, मैं, अम्मा और बाबा, हम जा रहे हैं अपने पुराने घर अंदरून लाहौर अपने चाचू की तरफ। मुफ्त का खाना मिल रहा भाई, मुफ्त का खाना तो छोड़ा नहीं जा सकता। मुफ्त का खाना इसलिए क्योंकि आज चाचू की तरफ छोटी की दावत है, छोटी की शादी की दावत है, तो उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है, तो हम सब वहाँ जा रहे हैं। मैंने सोचा आपको अपने ददयाल साइड से भी मिलवाया जाए, तो लेट्स गो। यार मम्मा पापा, बहुत ही बोर सफर गुजर रहा है यार, कोई किस्सा सुना दो, कोई नोहा सुना दो, कुछ सुना दो यार। जी मम्मा, आप कौन सा किस्सा सुनाना चाहोगे? आपके बचपन का सुनाना चाह रही किस्सा। मैंने आपको भेजना था ट्यूशन। अच्छा, अकेडमी, तो आप गायब थे, मुझे चढ़ा गुस्सा। मैंने कहा जब तू कहाँ था, मैं तुम्हें तब से ढूंढ रही, तुम्हारी ट्यूशन का टाइम हो गया। कितने बजे आया था मैं? आप आए 4 बजे। सुबह से क्या हुआ? सुबह 11 बजे गए। अच्छा, फिर मैंने कहा तुम्हें मेरे ट्यूशन तुम्हें जाना था, कहाँ गायब था, तुझे नहीं पता ट्यूशन का टाइम हो गया। आगे से कहते मम्मा मैं जुमा पढ़ने गया था। तो ये तो अच्छी बात है, जुमा पढ़ने गया। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा शुक्र है मेरा बच्चा जुमा पढ़ने गया। जब मुझे याद आया आज तो मंगल है, मैंने कहा तू कौन सा जुमा पढ़ के। कब याद आया था आपको? 5 मिनट के बाद मुझे याद आ गया। मैंने कहा तूने कौन सा जुमा पढ़ा बगैर था, आज तो मंगल है। आगे जाके भाग गया। मजेदार किस्सा था यार। हाँ जी पापा, आपका क्या किस्सा है, कोई किस्सा ही सुना दो यार बचपन का। बेटा आप 2 साल के होते थे। ओके। अच्छा, मैं जब काम से आता था शाम को 6:30 बजे 7 बजे, ठीक है, आपका प्रोग्राम होता था मुझे मोटरसाइकिल पे चक्कर लगाओ और फिर अंदर आओ, घर के अंदर आओ। अच्छा, जब मैं आपको चक्कर लगा देता था फिर मुझे इजाजत मिलती थी अंदर आओ जी, वरना मैं बाहर ही, वरना मुझे बाहर ही खड़े कर देते थे। इतने बदमाश थे तो बचपन में। मेरा प्यारा अंदरून, प्यारा लग नहीं रहा लेकिन एक वाइब है यहाँ पर ना, वाइब है, एक वाइब। अच्छा यार, हम लोग पहुँच चुके हैं मेरे प्यारे अंदरून में। जो है ना, घर के बाहर गाड़ी खड़ी नहीं होती, गलियाँ बहुत छोटी हैं, तो 3 गलियाँ पीछे गाड़ी खड़ी की है। अब सामान निकालते हैं, पैदल ही जाना पड़ेगा आगे। आइए आइए, राम से राम। अच्छा, मैंने वायरल करनी, मेरे अब्बा जी की टिकटॉक है वो, अल्लाह तवक्कल नहीं वायरल हुई है, कोई बात नहीं। जी रजब चाचू, मैं वायरल हूँ, इतना काफी नहीं है। हाँ चलो ऊपर चलो, अभी वायरल करता हूँ, चलो। हाँ तूने भी वायरल होना है। बच्चे देखो, कह रहा है कि आपने जो जिम में हमारी टिकटॉक बनाई थी वो वायरल क्यों नहीं हुई। चलो ऊपर चलो, चलो शाबाश। ये आ गए छोटे बेटे चाचू के, ज़ुल्कर्नैन हैदर भट्ट साहेब। की आले, शुक्र शुक्र, अब ये भी दिखाओ जरा। ओहो अल्लाह, क्या कहते थे इसको, स्टीम नहीं, इसको कुछ कहते थे ना यहाँ पे शादबाग में मिलता था, तो वहां से। हाँ, ये चाचू के सबसे बड़े बेटे हैं और ये तायब के सबसे बड़े बेटे हैं, सजाद भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये हमारे छोटे भाई हैं रजब अली, ये बच्चा है हमारा बच्चा। ये है मेरे चाचू, मेरे फेवरेट चाचू, मैं मिला इनसे आज काफी देर बाद हूँ, लेकिन ये मेरी जान है। अच्छा जी, अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक लड़के से जिसमें पूरे खानदान में ना मेरी कॉपी कहा जाता है, मतलब सेम मेरी फेस का कहा जाता है। और यकीन करो, एक बार मेरे फोन का जो लॉक है वो इसके फेस से खुल गया था। ये देखिए, है तो मुझसे छोटा लेकिन सेम। अस्सलाम वालेकुम, मीट ताबिश बट। चलो भाई सारे बच्चे आते जाओ, दो दो कॉपियां चाचू को दो और जाते जाओ। चलो भाई जा, अभी चलो जी, आ जा मेरा काका, चलो जी। आइए, चल, आराम से, अभी दे, मेरी
चल ये अच्छा ये अच्छा जी ये मेरा भतीजा है, इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है शुरू करें बेटा बस करो इतनी जल्दी क्या अभी तुम्हारे स्टार्ट किया सॉरी मेहमानों से फ्री हो गए हैं अब बट सारे खुद बैठ गए हैं खाने पाया देख रहे इसका ये सारा अभी निश्चितम हो जाना इसमें कुछ भी नहीं बचा बिस्मिल्लाह जी माशाल्लाह अच्छा यार खाना शाना हो गया मुझे तो खास तो भूख नहीं थी मैंने तो कुछ नहीं खाया चल झूठा हाँ मुझे पता है भूख क्या? नहीं थी ये जो 2 kg मटन तुमने खाया वो भूख नहीं थी तो खाया भूख नहीं थी करो शर्म हैप्पीनेस ओके जी व्लॉग को एंड करते हैं बहुत मजेदार दावत थी थैंक यू सो मच शादी साहब बहुत मजा आया मुझे उम्मीद है आपने भी एंजॉय किया होगा व्लॉग अब दावत शादी है आपकी शादी मैं इसलिए फैमिली इवेंट पे आता नहीं हूँ वहाँ पर सिर्फ मेरी शादी की ही बातें होती हैं और होता कुछ नहीं है अगर व्लॉग पसंद आया तो यार लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना थैंक यू सो मच